दे दी हमें आजादी पे ना खड़क के ना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया बहाल, रघुपति राघव राजा राम। बिना गांधी भारत के बारे में सोचना भी असंभव सा कर दिया। हम नई पीढ़ी के लोग ये समझना चाहते हैं कि कैसे आपने इस देश को जगा दिया। तो आइए कुछ छोटी छोटी प्रस्तुतियों द्वारा हम जानते हैं गांधी जी, उनके सहयोगियों के विषय में जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिसमें एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व था लाल बहादुर शास्त्री जी का। मुझमें गांधी। पहला दृश्य, मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहते थे। इसी इच्छा से वे पिताजी के पास जाकर बोले, पिताजी चलिए आज नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक मोहन? पिताजी राजा हरिश्चंद्र का। बेटा अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तो क्या पिताजी मैं अपने मित्रों के साथ चला जाऊँ? हाँ हाँ चले जाओ, मगर नाटक देखकर सीधे घर ही आना। जी पिताजी। मोहन अपने दो दोस्तों के साथ नाटक देखने जाता है। नाटक के अंत में सभी दर्शकों की आंखों में आंसू थे। इस कहानी ने गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने निश्चय किया, मैं आज इसी क्षण से सिर्फ और सिर्फ सत्य की राह पर चलूंगा। मोहन ये कठिन है, संभव नहीं। सब संभव है, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए। खुद को बदलो, सत्य बोलो, निडर बोलो। खुद को बदलो, सत्य बोलो, निडर बोलो। दृश्य दो, एक अन्य घटना जिसमें गांधी जी साउथ अफ्रीका में रेल का सफर तय कर रहे थे। उन दिनों साउथ अफ्रीका में भारतीयों को शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था और उन्हें पुली नाम से संबोधित कर हीन समझा जाता था। उसी समय गांधी जी द्वारा प्रथम श्रेणी में बैठे जाने पर यह विवाद हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहा है? निकल लो यहाँ से, ये जगह तुम जैसे कूली के लिए नहीं है। लेकिन मेरे पास टिकट है जनाब, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन ये कोर्स सिर्फ बोरों का है, तुम यहाँ देख भी नहीं सकता। बैठना तो बहुत दूर की बात है, तुम निकलता है कि मैं बुलाऊं पुलिस और टीटी को। तभी टीटी टिकट देखता हुआ वहाँ स्वयं ही पहुँच जाता है। तभी गांधी जी अपनी बात रखते हुए कहते हैं, मेरे पास इस श्रेणी का टिकट है जनाब, मुझे अधिकार है यहाँ बैठने का। यूरोपियन की गुस्सा करने पर बिना कुछ सुने गांधी जी को गाड़ी रोककर धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। गांधी जी पूरी रात वहीं बैठकर सभी भारतीयों के लिए स्वयं के साथ एक मार्ग प्रशासित करते थे जो था सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्याग्रह, हम करेंगे सत्याग्रह। क्रूर दंगल मार, क्रूरता से हम ना देंगे, अहिंसा के पथ पर चलकर क्रूरता को मिटा ही देंगे। अपनी पत्नी को पत्र द्वारा अपनी जानकारी देते हैं कि
तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मैं समझ सकता हूँ कि मेरे ना होने पर तुम्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा होगा। आशा है तुम मेरी चिंता को समझोगे। पत्र उनकी पत्नी को प्राप्त होता है, उसी के साथ जवाब लिखती है, नहीं नहीं आप चिंतित ना हो, हर माह 50 रुपयों की धनराशि संगठन की ओर से प्राप्त होती है। मेरा और परिवार का खर्चा तो 40 रुपयों में ही चल जाता है, 10 रुपए तुम्हें बचा भी लेती हूँ। पत्र शास्त्री जी तक पहुंचता है, तभी अगला पत्र शास्त्री जी संगठन को लिख भेजते हैं। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि मेरे घर भेजवाए जाने वाली धनराशि 50 रुपए को घटाकर 40 रुपए कर दी जाए, जो कि मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है। शेष 10 रुपए की धनराशि किसी अनेक अन्य सेवक तथा कर्ता कार्यकर्ता को उपलब्ध करा दी जाए। तो कुछ ऐसे थे हमारे देश को आजाद